हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ ऋषि और आप देख रहे हैं बॉन्टी इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस स्टॉक में अभी बढ़िया रिजल्ट आए। यह स्टॉक रिटायरमेंट के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है। आप धीरे धीरे इसमें खरीदारी कर सकते हैं, जो कि आपको रिटायरमेंट में एक बेहतरीन मुनाफा दे सकता है। अभी जानते हैं कौन सा ये स्टॉक और क्या है इसके फंडामेंटल और क्या है इसके टेक्निकल। अभी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटे वाला बटन है उसको दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। गुड क्वालिटी का ये स्टॉक है। गुड क्वालिटी बाय मैनेजमेंट, रिस्क ग्रोथ एंड कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप इसकी सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, पिछले 5 साल के 4.77 है। आप इसके नेट डेट टू इक्विटी रेशियो देख लीजिए, जो कि 2.38। ये कंपनी जिस सेक्टर में, उस सेक्टर में इतनी नेट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो हमेशा रहती ही है। वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे अभी हाल में ट्रेड कर रहा है। जो भी प्राइस 428 के ऊपर होगी, ये इसको वेरी एक्सपेंसिव में डालेगा। आप इसकी पी रेशियो देख लीजिए 11.63। आप इसकी पी जी रेशियो देख लीजिए 1.08। आप इसकी आर ओ सी देख लीजिए 20.18। आप इसकी आर ओ ई देख लीजिए 20.14। मेरे को इसको आर ओ ई और आर ओ सी दोनों बढ़िया दिख रही है, दोनों 20 के ऊपर दिख रही है। आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको ये स्टॉक कैसा लग रहा है। अब हम इसके रिटर्न प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। पिछले 5 साल में 200% का रिटर्न दे दिया है। पिछले 3 साल में 170% का रिटर्न दे दिया। पिछले 1 साल में 32% का रिटर्न दिया है, जो कि बेहतरीन रिटर्न है। आज ही इसने 4% का रिटर्न दिया है, क्योंकि इसके रिजल्ट अच्छा है। इसके वजह से ये स्टॉक अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब हम इसके क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। नेट सेल्स पिछले क्वार्टर से 9.5% से अप आया है। आप इसके PBDIT की बात कर ले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लिए, जो कि 2.53% से अप आए। आप इसके नेट प्रॉफिट की बात कर लिए, जो कि 5.41% से अप है। जो पिछले क्वार्टर में 485 था, इस क्वार्टर में 511 आया है। आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए, हालांकि उसमें थोड़ी सी गिरावट है, हालांकि थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज़्यादा ही गिरावट है, लेकिन ये कंपनी अपने नेक्स्ट क्वार्टर में इसको संभाल लेगी। आप इसका ईयर टू ईयर नेक्स्ट सेल देख लीजिए, 14% से अप आया है। आप इसके ईयर टू ईयर नेट प्रॉफिट देख लीजिए, 0.63% से अप आए। हालांकि नेट ऑपरेटिंग मार्जिन में थोड़ी सी अपसाइड आई, 0.74%, जो कि ईयर टू ईयर में उसमें गिरावट नहीं दिखाई दे रही है। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। प्रमोटर के पास 73.5% की एक बेहतरीन होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 9.35% की एक बेहतरीन होल्डिंग है। हालांकि इसमें FIS ने एक बढ़िया होल्डिंग दिखाई है 12.34% की। इससे कंपनी के एक भी शेयर गिरवी नहीं है, एक भी मीन्स के एक सिंगल शेयर भी गिरवी नहीं है, जो कि एक बढ़िया बात है। फाइनेंस और MBFC इंडस्ट्री का ये स्टॉक है, मथुत हाउस है। हम बात कर रहे हैं मथुत फाइनेंस के बारे में, एक बेहतरीन गोल्ड लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी। आप अपनी सिटी में देख लीजिए, एक दो ब्रांच के इसके मिलने ही मिलने, लार्ज कैप स्टॉक है। आप देख लीजिए, एक बेहतरीन कंपनी। आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये स्टॉक आपको कैसा लग रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और किसी स्टॉक को आपके बारे में जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिनसे हम उस पर आपको वीडियो बना के पूरा समझाएंगे।